हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है इस समय, जो कि है कोरोना की थर्ड वेव। अभी आपने देखा है जैसा कि फर्स्ट वेव आ चुकी है, सेकंड वेव आई है और बहुत से लोग उससे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। बहुत सी खराब न्यूज़ हमें सुनने को मिली है और ये भी न्यूज़ सुनाई देने को है कि अभी सेकेंड वेव तो स्टिल चल रही है पर थर्ड वेव आने के भी चांसेस हैं। वो कब तक आएगी और किन लोगों पर वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। जैसा कि वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं या जो भी डाटास आ रहे हैं लोगों के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग बताया गया कि थर्ड वेव आने के चांसेस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से मैं पहले कह दूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। तो सर, काफ़ी दिनों से जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है जो कि हमारे बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब उससे हमें कैसे बचा जाए, अपने आप को कैसे बचाएं? थर्ड वेव से ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ही टारगेट करेगी, बड़े भी इफेक्टेड हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होगी। लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि वो बच्चों पर भी इफेक्ट करेगी। अभी तक बच्चे काफ़ी हद तक बचे हुए थे लेकिन थर्ड वेव तो अब बच्चों को भी अपने दायरे में ले लेगी। तो उसके लिए आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिवेंटिव कुछ मेडिसिन मैं आपको होम्योपैथिक में बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेव अभी चल रही है और सेकेंड वेव के बाद ही थर्ड वेव आएगी, लेकिन अभी सेकेंड वेव की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है। लाइक वो अगस्त चल रहा है और अगस्त या सितंबर तक वो मोस्टली थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसके बाद थर्ड वेव आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर लोगों ने हाइजीन बरतना कम कर दिया, मास्क लगाना बंद कर दिया, जैसा कि लोग लापरवाही बरत ही रहे हैं, तो डेफिनेटली थर्ड वेव के आने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो जाएं और कोविड के रूल फॉलो करें तो थर्ड वेव आने के चांसेस कम हो सकते हैं और हो सकता है कि थर्ड वेव ना ही आए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन लोग मानेंगे तो है नहीं क्योंकि अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जो इतने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क उनके नाक की बजाय उनके चिन पे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं ये हम अपने आप के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो थर्ड वेव बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी और बच्चों को बचाने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। और अभी बच्चों को बचाने के लिए कोई वैक्सीन का भी अभी कोई रोल नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंड तक बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगी, बट अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने आप में सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम अगर बाहर जाते हैं तो हम सारे कोविड रूल्स को फॉलो करें, हो सके तो बच्चों को ना ही ले जाएं। अगर बच्चे खेलते हैं तो वो घर के अंदर ही खेलें, पार्क वार्क में अभी आप उन्हें ना ले जाएं। इस तरीके से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। कहीं से आप बाहर से आए तो हाथ धुले अपने बच्चों को छूने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करके अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, जिसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको लेने का तरीका बच्चों में अलग होगा और बड़ों में अलग होगा। अब मैं आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की मेडिसिन बताऊंगी जिनको बड़े और बच्चे दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन की जो पहली मेडिसिन है वो है एकोनेट 30 अर्ली इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको तुरंत जैसे लग रहा है ज़रा सी गले में खराश है या सर्दी जुकाम है तो उसमें एकोनेट 30 बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सेकेंड जो हमारी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में आप विगत 2 वर्षों से सुन ही रहे हैं कि आर्सेनिक एल्बम 30 एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लोग कोविड में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम 30 के जो सिम्टम्स हैं वो कोविड में जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। थर्ड जो हमारी मेडिसिन है वो है इचनीशिया 30 एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि इचनीशिया बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारे WBC काउंट्स को बढ़ाती है अगर वो लो है तो, और अगर नॉर्मल है तो एज इट इज़ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर आप इचनीशिया लेंगे तो अगर आपके WBC काउंट्स बढ़ते ही चले जाएंगे। और हमारी जो लास्ट मेडिसिन है वो है इन्फ्लुएंजम 30 भी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन चारों मेडिसिन को आपको इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है एक साफ और अनदर शीशे में और उसको आपको लेना है। कैसे लेना है, कैसे डोज में लेना है वो मैं आपको अब बता। अब
इस कॉम्बिनेशन को आपको कैसे लेना है, 1 से 5 साल के बच्चों को आप 1 से 2 ड्रॉप अगर वो डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप उन्हें पानी में, 1 चम्मच पानी में मिला के आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन देना है। 5 से 10 साल के बच्चों को ये ड्रॉप आपको, 2 से 3 ड्रॉप आपको अल्टरनेट डे पे देना है। लाइक अगर आपने मंडे दिया, ट्यूसडे छोड़ के आपको वेडनेसडे देना है। और 10 साल से ऊपर के जो बच्चे या फिर वो बड़े में आ जाएंगे, 10 से 20 से उससे बड़े, तो ये आप 3 से 4 ड्रॉप आपको ही डेली लेना है। इस तरीके से कैटेगरीज डिवाइडेड हैं और इस तरीके से आप ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। होप ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी प्रिवेंशन की मेडिसिन है, अगर आपको लगता है तो आप अपने आप को ज़रूर उसका उपयोग करें, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, और थर्ड वेव से जहाँ तक हो सके सावधानियाँ बरतते हुए, मेडिसिन लेते हुए अपने आप को बचाएँ और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और आगे वाले मेरी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।